सिंगरौली में लूट और चोरी की योजना बना रहे पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से धारदार हथियार सहित चोरी की वारदात में उपयोग होने वाले सामान को जब्त कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जाय चौक क्षेत्र में कुछ लोग किसी प्रतिष्ठित संस्थान या एटीएम लूटने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई और दबिश देकर आदतन चोरी करने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ चोरों के कब्जे से 6 बाइक जब्त की गई हैं। वहीं चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए लाए गए हथियार और सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और उनके पास से जो सामान जब्त किया है चोरी का, उसके संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप सबको मंजूर की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।